अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों कैसे हो आप? ठीक हो? तबीयत मजाज सब दोस्तों के ठीक है? मेरी यूट्यूब फैमिली दोस्तों, ये देखो हमारी ऑस्ट्रेलिया नस्ल की जो गाय है, इसने अभी अभी डिलीवरी की है और अल्लाह पाक का करम देखो कि मेरा भाई अभी बता रहा था, मैं तो मौजूद नहीं था डेरे पे, भाई अभी बता रहा था, बोलता है कि यार मैं उधर लगा हुआ था काम, दूसरी जगह कर रहा था तो इधर आया हूँ पानी पीने के लिए अपने डेरे पे ना, तो मुझे ऐसी आवाज़ आई है जैसे छोटा बेबी होता है ना, छोटा बेबी जैसा गाय या भैंस या बकरी कोई डिलीवरी करती है तो उसके बेबी का थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होती है ना। तो भाई बोलता है पानी पी के मैं पी रहा उठ रहा था तो अचानक मुझे आवाज़ आई, जो मैं शेड के अंदर गया, फार्म के अंदर गया तो जाके देखा तो ये अल्लाह पाक के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खैर खैरियत से इसने डिलीवरी कर दी थी और इसने फीमेल दी है, बिल्कुल जो हमारे घर का ब्रीडर है ना, जो ब्रीडर हमारे घर का जो है बहुत अच्छा ब्रीडर है, उसी से क्रॉस हुई थी, तो ये बिल्कुल अपने बाप की तरह है। एक पॉइंट होता है ना, वो भी कहीं आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल अल्लाह पाक के हुक्म से अपने बाप की तरह है। ये फीमेल इसने डिलीवरी की है तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पता ही नहीं चला। वैसे तो इसके दिन तो पूरे थे, इसका दिन तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन इसके बाकी थे, ये सेकंड टाइमर अभी, तो अल्लाह पाक ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई आगे देखा है तो आगे ये खुद ही उठ के घूम रही है आगे पीछे, भाई परेशान हो गया, भाई ने पटा करके वीडियो बनाई और मुझे दी है, बोलता है ये चेक करो यार। मैंने बोला चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक बहुत राज़ी हुआ, खैर खैरियत से सो पड़ी है, खैर खैरियत से इसने डिलीवरी कर दी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो जी हमारे घर का शौक, ये सेकंड टाइमर गाय है, इतनी बड़ी गाय नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने रौनकें लगाई हुई है, अल्लाह पाक सब डेरों को, सब फार्म को, जो जो लोग मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। दुआओं में याद रखना। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। खुश रहो दोस्तों।